बच्चों, चैप्टर टू दैट इज मैटर अराउंड द स्फीयर में आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन। अब लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने एनसीईआरटी का 2.2 एक्टिविटी पढ़ा था एंड उस एक्टिविटी के बिहाफ पर हमें ये पता चला था कि हमारे पास तीन चीज़ें मिली थी। एक बीकर में सॉल्यूशन था, एक बीकर के अंदर मैंने आपको बोला था कोलोइडल है, और दूसरे बीकर में मैंने बोला था सस्पेंशन है। यही तीन चीज़ बोली थी ना? ठीक है, एक्टिविटी 2.2 में जो तीन बीकर तैयार हुए थे उनमें से एक बीकर को आप लोगों ने सॉल्यूशन बोला था, एक बीकर को हमने कोलोइडल बोला था, और एक बीकर को हमने क्या बोला था? सस्पेंशन। तो अब हम एक बीकर जिसके अंदर सॉल्यूशन था ना, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, उसके बाद आप सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को रीड करेंगे और यहीं पर एक नई टर्म सीखेंगे दैट इज़ कंसंट्रेशन। समझ गए? आज की क्लास एकदम बेसिक क्लास है, ऐसा नहीं है कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस एक ही चीज़ सॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बट आपको समझना है, ठीक है ना? नाइन्थ क्लास सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए है, पेपर तो बहुत ईजी है आप लोगों का। ठीक है, समझो सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, आप लोग ना एक ग्लास पानी लो, ठीक है, एक ग्लास क्या लो? पानी लो, और उस पानी के अंदर ना चीनी घोल दो। क्या घोल दो? अब अच्छे से जब वो शुगर उस वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी ना, तब आप ना उस वाटर का सिप लेकर देखो कि आपको एंटायरली पूरा का पूरा वाटर इक्वल स्वीट दिखाई देगा पीने में, टेस्ट में, या कहीं से ज़्यादा मीठा कहीं से कम मीठा ऐसा अपीयर होगा। इक्वली दैट मीन्स कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? होमोजीनियस मिक्सचर क्या थे? जिसका पूरा का पूरा कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता था, है ना? अगर मैं एक वाटर में एक ग्लास वाटर लूँ और उसके अंदर सैंड मिक्स कर दूँ, क्या मिक्स कर दूँ? क्या वो यूनिफॉर्म सैंड मिक्स कर दो या चॉक मिक्स कर दो, ठीक है, मिक्स करके छोड़ दो, क्या वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा? नहीं, क्योंकि कुछ रेत नीचे बैठ जाएगी और कुछ वाटर में थोड़ी सी मड्डी हो जाएगी। तो नीचे जो रेत बैठ गई है वहाँ पे तो रेत ज़्यादा है ना, नीचे सैंड ज़्यादा है, तो उसका मतलब वो हेट्रोजीनियस है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। होमोजीनियस मिक्सचर क्या था? पूरा का पूरा क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो जब आप लोग वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व करते हो या आप लोग वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करते हो, तो पूरा का पूरा कैसा होता है? यूनिफॉर्म, हर जगह से इक्वली स्वीट होता है। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? अब आप लोग ना उस ग्लास को ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना, जब शुगर पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व हो चुकी है, क्या आपको फिर शुगर के पार्टिकल नज़र आते हैं? आते हैं? जब आपने पानी में चीनी डाली थी तब चीनी तुम्हें दिख रही थी, और जब आपने उसे अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर तुम कितना भी ढूंढने की कोशिश कर लो, आपको शुगर के पार्टिकल उसमें दिखाई नहीं देंगे ना। अब एक काम करेंगे, अब टॉर्च लाइट लेकर आएंगे, टॉर्च लाएंगे, उसमें टॉर्च डालेंगे, टॉर्च लाइट के अंदर क्या शुगर के पार्टिकल दिखाई देंगे? तब भी नहीं दिखाई देंगे। तो एक ऐसा एक होमोजीनियस मिक्सचर, कैसा मिक्सचर? एक होमोजीनियस मिक्सचर। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मिक्सचर की। अब मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, सही बात है ना? जब भी आप किसी भी चीज़ का मिक्सचर बनाने जा रहे हो तो कम से कम कितनी चीज़ें होनी चाहिए? दो से ज़्यादा भी चलेंगी ना। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? हमेशा होमोजीनियस ही होगा। समझ गए मेरी बात? सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब ये मिक्सचर है तो दो चीज़ों का होगा या दो से ज़्यादा चीज़ों का? समझ गए ना मेरी बात को? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। समझ आई क्या मेरी बात? इसकी प्रॉपर्टीज अभी हम देखेंगे, पर इसकी डेफिनेशन समझ आई क्या? ठीक है ना, होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें घुल के रखी गई हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। ठीक है, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि आप उसे अपनी आईज से देख नहीं सकते, और जब हम उन पर लाइट डालते हैं ना तो भी वो पार्टिकल विजिबल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अभी आई आपको मेरी बात समझ में? क्लियर हुआ क्या? अभी बहुत सारी चीज़ें हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, पर आपको भी सॉल्यूशन समझ आ गया क्या होता है?
एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें घोल के रखते हैं। अब सॉल्यूशन का एग्जांपल देखते हैं, शुगर सॉल्यूशन। जब आपने पानी के अंदर चीनी घोल रखा है तो वो क्या है? सॉल्यूशन है। जब आप पानी के अंदर नमक घोल देते हो तो वो क्या है? सॉल्यूशन है। समझ गए क्या मेरी बात? लेमोनेड एग्जांपल लो, नींबू पानी। सही है, नींबू पानी में क्या होता है? पानी, लेमन जूस, शुगर, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट। तो आपने दो से ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी ना, पर ऐड करने के बाद वो होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। कैसा मिक्सचर बन गया? होमोजीनियस मिक्सचर, जिसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा था। कितना होता है वो भी बताऊंगी, ठीक है ना। तो लेमोनेड भी किसका एग्जांपल हो गया? सॉल्यूशन का। यहाँ समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अब हमें ये लगता है कि सिर्फ लिक्विड वाले स्टेट ही सॉल्यूशन है, ऐसे लग रहा है ना। पानी में चीनी, पानी में नमक, लेमोनेड, ये सब किसके एग्जांपल थे? लिक्विड सॉल्यूशन के। किसके एग्जांपल थे? क्या सॉलिड में भी सॉल्यूशन हो सकता है? क्या है एग्जांपल? एलॉय, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिक्विड स्टेट में ही सॉल्यूशन होते हैं, हमारे सॉलिड स्टेट में भी सॉल्यूशन बन सकते हैं। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके एलॉय, ठीक है ना। एलॉय एग्जांपल है किस चीज़ का? एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन का। किसका एग्जांपल है? सॉलिड सॉल्यूशन को बोला था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपका सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड वाला थोड़ी हो सकता है, लिक्विड स्टेट का सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट का भी हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल एलॉय। एलॉय क्या है? सॉल्यूशन। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, ठीक है। तुम लोगों ने ये बताओ कौन कौन से एलॉय देखे हैं, जल्दी बताओ। ब्रास देखा है? ब्रास देखा है? अरे घर में पीतल के बर्तन तो देखे होंगे घर में। जिंक इज मेटल, नॉट एलॉय। घर में ब्रास देखा है? ब्रास पीतल के बर्तन देखे हैं, है ना। स्टील देखा है? यार स्टील तो सबने देखा होगा, घर में बर्तन स्टील के बने होते हैं। ये सब क्या है? एलॉय। ये सब क्या है? अब एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है सॉल्यूशन। क्या होता है? किसका सॉल्यूशन? दो मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल। अब जरूरी नहीं दो ही मेटल होंगे, दो से ज़्यादा भी मेटल हो सकते हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे कि एलॉय इज़ अ सॉल्यूशन, या फिर एलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर है तो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। किसका? मेटल्स का और नॉन मेटल। या तो सारी चीज़ें मेटल की होंगी या फिर कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल। समझ आ गए? जैसे कि ब्रास, जैसे कि, ठीक है, ब्रास क्या है? एलॉय। ब्रास क्या है? ठीक, किसका? जिंक का और कॉपर का। इसमें जिंक कितना परसेंट डाला जाता है और कॉपर कितना परसेंट डाला जाता है? समझ गए? जिंक क्या है? मेटल। कॉपर भी क्या है? मेटल। सही बात है ना। तो आपने दो मेटल्स को लिया डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में, जिंक कम है कॉपर ज़्यादा है, और आपने इन्हें क्या कर दिया? क्या ऐसे मिक्स कर दिया होगा? ऐसे थोड़ी मिक्स हो सकता है, सॉलिड स्टेट की चीज़ें तो ऐसे डायरेक्टली मिक्स ही नहीं हो सकती। तो पहले हमने क्या किया होगा? जिंक को गर्म किया होगा, तब तक गर्म किया होगा जब तक कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं आ गया होगा। सिमिलरली कॉपर को गर्म किया होगा जब तक वो लिक्विड स्टेट में, फिर उन्हें मिक्स किया गया होगा एंड फिर उसे ठंडा कर दिया गया होगा, तो क्या बन गया? ब्रास। समझ आ गई मेरी बात? तो ब्रास को जब ठंडा कर दोगे तो सॉलिड स्टेट में मिल जाएगा, तो ब्रास एक सॉल्यूशन है। क्या है? समझ गए मेरी बात? अलॉय समझ आ गए? अलॉय क्या होते हैं? अलॉय मिक्सचर होते हैं। किसके? या तो मेटल्स के मिक्सचर होते हैं या मेटल एंड नॉन मेटल के मिक्सचर होते हैं। और कैसे मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर। दैट मींस अलॉय सॉल्यूशन का एग्जांपल है। आ गई मेरी बात समझ में? स्टील देखा है ना? स्टील की क्या स्पेशल चीज़ होती है बताओ? चमक। चमक इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ स्टील। उसमें जंग रस्ट नहीं होता, स्टील आसानी से रस्ट नहीं होता। ये है स्टील का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। स्टील कैसे बनता है? मेनली होता है स्टील में लोहा। मेन पार्ट क्या होता है? जैसे ब्रास के अंदर मेन पार्ट कॉपर है, इसलिए ऐसे स्टील में मेन पार्ट होता है आयरन। एंड आयरन में हम ऐड करते हैं कार्बन। क्या ऐड करते हैं? आप बताओ, कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। कार्बन नॉन मेटल है, आयरन मेटल है।
तो स्टील क्या हो गया? स्टील एलॉय है। किसका? मेटल और नॉन मेटल। समझ आ गई मेरी बात? तो हमें सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं, हमें सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, और हमें सॉल्यूशन गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं। कैसे स्टेट में? एग्जांपल एयर, सही है ना? ये एयर क्या है? सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। दैट मींस इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स है। क्या है? मिक्स। और कैसे फॉर्म में? होमोजीनियस की मिक्सचर की फॉर्म में। जैसे आपके एयर में O2 है, नाइट्रोजन है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी चीज़ें। समझ गए मेरी बात? तो अच्छे से समझ आ गया सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का। समझ गए? सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, गैसेस स्टेट में भी हो सकता है। सॉलिड स्टेट का एग्जांपल एलॉय है। एलॉय का डेफिनेशन मैंने बता दिया है, एंड ब्रास का कंपोजिशन याद कर लेना। सिर्फ ब्रास हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, वैसे एलॉय बहुत सारे हैं, ठीक, बट हमारे बुक में सिर्फ ब्रास का एग्जांपल है। तो ये तुम अच्छे से याद कर लेना कि जिंक और कॉपर से मिलता है, जिसमें जिंक 30% और कॉपर 70% है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हमें वो सॉल्यूशन पढ़ने हैं जिसमें हमने दो चीज़ें मिक्स की गई, ठीक है? जिसमें कितनी चीज़ें मिक्स की गई हैं? दो। जैसे आपने पानी में चीनी डाल दिया तो एक सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन को बनाने में कितनी चीज़ें यूज़ हुई है? एक वाटर और एक शुगर, ठीक है? तो मैं ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ जिसमें दो कंपोनेंट थे। कितने कंपोनेंट थे? यानी वो दो चीज़ों से मिलकर बनाए गए होंगे। अब इन दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट को आप सॉल्यूट बोलते हो, क्या बोलते हो? और दूसरे कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समझ गए? जब हमारा सॉल्यूशन दो चीज़ों से बना होता है, कितनी चीज़ों से बना होता है, तो हम उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं? अब बाइनरी सॉल्यूशन क्यों कह रही हूँ? बाई मतलब टू, ठीक है ना? बाई मतलब, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अब बाइनरी सॉल्यूशन में जो हम दो चीज़ें डाल रहे हैं उनमें से एक चीज़ को कहते हो सॉल्यूट और दूसरी चीज़ को क्या कहते हैं? अब बताती हूँ सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। जैसे पानी में चीनी घोल रहे हो तो कौन सॉल्वेंट होगा? वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हो आप लोग। एक ग्लास वाटर में आप 1 स्पून शुगर डाल देते हो तो शुगर थोड़ी सी है, वाटर बहुत ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है दैट इज सॉल्वेंट। क्लियर हो गया सॉल्वेंट क्या होता है? तो सॉल्वेंट हमारा प्रेजेंट होता है लार्ज क्वांटिटी में। कैसी क्वांटिटी में? नहीं आई क्या मेरी बात समझ में? और जो सॉल्यूट होता है वो कैसी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है? जो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है दैट इज सॉल्यूट, दैट इज सॉल्यूट। सही है? जैसे शुगर, सही है ना? पानी में शुगर कम डाला था तो शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट। एंड वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। पानी में नमक डाल दो, पानी में क्या डाल दो? नमक। अब बताओ इस सॉल्यूशन में वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्ट क्या है? समझ गए क्या मेरी बात को? कोई दिक्कत है क्या? अभी आप लोगों ने ब्रास पढ़ा था। ब्रास किस किस चीज़ का से बना था? ब्रास इज एन अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। जिंक कितना परसेंट था एंड कॉपर कितना परसेंट था? 70। तो अब बताओ इसमें जिंक सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? सॉल्यूट, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। एंड कॉपर क्या हो जाएगा? समझ आ गई क्या मेरी बात? हमेशा जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्यूट, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज सॉल्वेंट। आ गई क्या मेरी बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छे से क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं सॉल्यूशन का, और आप लोग मुझे बताना कि उसमें सॉल्यूट क्या होता है एंड उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक है? दो। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो उसमें कौन सी गैस डाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम एरिएटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, एग्जांपल सोडा वाटर। एग्जांपल ये भी किसका एग्जांपल है? सॉल्यूशन का। किसका एग्जांपल है? आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक देखो, उसमें एग्जांपल में थर्ड लिखा है एरिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर
आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, आपका जो सोडा वाटर होता है वो कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड। उस लिक्विड में हम कौन सी गैस मिला के रखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ गए मेरी बात? क्या मिला के रखते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? गैस इन लिक्विड। सही है, आप लोगों ने गैस को किसमें घोल दिया? लिक्विड में। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब आप लोग मुझे बताओ ब्रास किसका एग्जाम्पल होगा? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सही है ना, कोई दिक्कत? जिंक क्या था? सॉलिड। कॉपर भी क्या था? तो आपने सॉलिड में सॉलिड को घोला था ना, तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सही है, कोई दिक्कत है? शुगर सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल होगा? सॉलिड इन लिक्विड। चीनी को किसमें डाला? पानी क्या है? लिक्विड। शुगर क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। समझ गए मेरी बात? इस रूम में जो एयर है वो किसका एग्जाम्पल है? गैस इन गैस। सारी चीज़ें गैस है ना, तो गैस को किसमें घोला जा रहा है? गैस में। तो किसका एग्जाम्पल हुआ? गैस इन गैस सॉल्यूशन। नहीं आई क्या मेरी बात समझ में? अच्छे से क्लियर हो गई? तो सॉल्यूशन जब दो चीज़ों से मिलकर बनता है तो आप उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हो। एंड बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को सॉल्यूट और एक को सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एंड सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में। जर्नली जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। जिसमें घोला जा रहा है वो तो हमेशा ज़्यादा होगा ना, तो जिसमें घोला जाता है उसे आप क्या कहते हो? सॉल्वेंट। और जिसे आप घोल रहे जा रहे हो उसे आप क्या कहते हो? सॉल्यूट। समझ आ गया? जिसमें घोलोगे सॉल्वेंट, जिसे घोलोगे सॉल्यूट। जिसे घोलते हैं वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जिसमें घोलने जा रहे हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट। यहाँ तक अच्छे से बात समझ आ गई? अब है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, हाँ बच्चों स्टार्ट करें। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन? ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, तीनों प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद करना है। आपके 9th क्लास में यही प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन कभी कभी पूछ ली जाती है, अलॉय की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग तीन प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं? करें शुरू। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैंने कहा था ना सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ क्या था? बहुत बड़ा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप उसे अपनी आई से नहीं देख सकते। सही बात है ना? अब कितना छोटा होता है हमारा जो सॉल्यूशन है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। लेस देन 1, दैट इज़ नैनोमीटर। अब नैनो आप लोगों ने नहीं सुना ना, मैं बताती हूँ। 10^-9 मीटर, अब इसका मतलब पता चल रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना छोटा साइज, इतना छोटा। आप लोग है ना 0.01 को भी नेगलेक्ट कर देते हो, इतनी चीज़ को भी नेगलेक्ट कर देते हो, तो अब इसका साइज कितना छोटा है? समझ आ रहा है? और वो भी मैं ये नहीं कह रही है, मैं कह रही उससे भी छोटा, इसीलिए हम उसे अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। समझ गई मेरी बात? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, दैट मीन्स बहुत ही छोटा है। समझ गए पहली प्रॉपर्टी? दूसरी प्रॉपर्टी समझे? अब देखो दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसे समझने से पहले एक बात समझो। अगर कोई बड़ी चीज़ होती है ना, कैसी चीज़ होती है? उस पर आप ना लाइट डालो, तो लाइट जब उस चीज़ से टकराती है ना तो वैसे बिखर जाती है। क्या होती है? ऐसे इधर उधर चली जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। कोलाइडल में ना, इस चीज़ को आप अच्छे से समझोगे सॉल्यूशन के बाद, कल की क्लास में आप पढ़ोगे कोलाइडल, तो कोलाइडल में हम ये स्कैटरिंग को अच्छे से समझेंगे। अभी छोटी सी नॉलेज देती हूँ, जब कोई बड़े साइज़ का पार्टिकल होता है ना और उस पर हम लाइट डालते हैं, तो लाइट उससे टकरा के बिखर जाती है। क्या होती है? ऐसे लाइट आई एकदम सीधी सीधी, टकराई और वो चारों डायरेक्शन में बिखर गई।
तो इसे हम स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिस पार्टिकल से लाइट टकराती है ना, वो पार्टिकल फिर चमकने लगता है। एग्जाम्पल देती हूँ, अंधेरा कमरा है, कहीं बीच में छोटा सा होल हो रहा हो और वहाँ से सनलाइट आ रही हो, तो आपको डस्ट के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि डस्ट के पार्टिकल का साइज इतना बड़ा था कि उन्होंने सनलाइट जैसे ही उससे टकराई, उन्होंने सनलाइट को स्कैटर्ड कर दिया, तो वो पार्टिकल खुद चमकने लगते हैं। समझ आ गया? अब ऐसे ही आप क्या करो, एक बीकर लो, उस बीकर में पानी में चीनी घोल दो और यहाँ पे रखो अपनी टॉर्च लाइट, तो टॉर्च से ऐसे लाइट जाएगी और सीधी चली जाएगी। क्यों चली गई? क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज क्या है? बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, इसीलिए सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी विजिबल नहीं होते। समझ गए सेकंड प्रॉपर्टी? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर हम सॉल्यूशन के अंदर लाइट को पास करते हैं तो लाइट बिना स्कैटर्ड किए सीधी चली जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अब थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ आ गई, सेकंड प्रॉपर्टी समझ आ गई, थर्ड प्रॉपर्टी रीड करें। अब बताओ, फिल्टर बताए आपको, फिल्टर मतलब क्या होता है? क्या होता है? किसी चीज़ को छानना, है ना? छान के हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स को अलग कर देते हैं और छोटे छोटे अलग हो जाते हैं। जैसे जब तुम लोग अपने घर में चाय बनाते हो तो आप चाय छानने की छन्नी यूज़ करते हो, है ना? छन्नी आटा, है ना? आटा छन्नी, आटा छन्नी में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल चले जाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल छन्नी में रह जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। कैसे कहते हैं? अब केमिस्ट्री में इतने बड़े बड़े पार्टिकल थोड़ी होंगे, केमिस्ट्री में तो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तो उन्हें फिल्टर करने के लिए अलग से आता है एक फिल्टर पेपर। जब आप लोगों को स्कूल में अगर लैब में ले जाया जाएगा तो आपको ना वो एक फिल्टर पेपर दिखाएंगे, है ना? फिल्टर पेपर कुछ चीज़ों को सेपरेट करने के यूज़ में आता है, ठीक है ना? अब मैंने ना ये नमक चीनी या पानी और चीनी का सॉल्यूशन बना दिया, फिल्टर पेपर लिया और इसे फिल्टर करना शुरू किया, तो क्या चीनी के पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे और वाटर नीचे आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा, शुगर वाटर के अंदर इस तरह से डिजोल्व हो गई है कि अब आपके शुगर का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो गया, तो फिल्टर पेपर से चले जाएंगे। समझ गए? इसलिए हम सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्टर नहीं कर सकते। समझ आ गया मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज क्या होता है? बहुत ज़्यादा छोटा। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? अब एक और बात सुनो, इसे आप फोर्थ प्रॉपर्टी कह सकते हो, आपकी बुक में से थर्ड प्रॉपर्टी में ही लिखा गया है। तुम लोग पानी लो, रेत घुमा दो, तो पहले तो रेत घुल जाती है ना पानी में, ऐसे सारे में थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाता, फिर आप उसे छोड़ दो तो रेत नीचे बैठ जाएगी ना, रेत सारा का सारा नीचे आ जाएगा। इसे हम सेटलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कि रेत के सारे पार्टिकल सेटल डाउन हो गए। क्या हो गए? सेटल डाउन। क्या चीनी शुगर सॉल्यूशन के साथ भी ऐसे ही होता है? जब आप लोग पानी को चीनी में घोल के रख दो बाहर रूम में और 2 घंटे बाद देखते रहोगे, तो ऐसा होगा क्या, चीनी नीचे होगी? नहीं ना। तो हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, तो ना आप इसे फिल्टर कर सकते हो और ना ही ये सेटल डाउन होता है। समझ आ गया? सॉल्यूशन की चारों प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई। साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है, ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर सकता, इसे फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकता, और ये सेटल डाउन नहीं हो। यहाँ तक बात समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो सॉल्यूशन ख़त्म हो गया, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज ख़त्म हो गई, पर अब एक नई टर्म आती है, दैट इज़ कंसंट्रेशन, ठीक है, एक नई टर्म आती है, दैट इज़ व्हाट, कंसंट्रेशन। चलो कंसंट्रेशन समझते हैं, अभी कंसंट्रेशन समझा रही हूँ और नेक्स्ट क्लास में इसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और साथ में करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब देखो, मैंने ना 3 स्टूडेंट को खड़ा किया, ए बी सी, ठीक है, तीनों को मैंने इक्वल अमाउंट में वाटर दे दिया, ठीक। पहले को कहा 1/2 स्पून डिसॉल्व करो, दूसरे को कहा 1 स्पून डिसॉल्व करो और तीसरे को कहा 2 स्पून डिसॉल्व करो, ठीक है। अब मेरे पास क्या थे, ए बी सी, 3 स्टूडेंट थे, तीनों को मैंने क्या किया, बी शुगर चीनी, ठीक है, इसमें हम लोगों ने इक्वल अमाउंट में वाटर भर दिया, इक्वल अमाउंट में वाटर डाल दिया,
ठीक है। अब इसमें क्या डालना है? चीनी। अब इसके अंदर हमने चीनी डाल दी, आधी चम्मच, कितना स्पून? हाफ। इसमें 1 स्पून एंड इसमें 2 स्पून क्या घोलना है? चीनी। क्या सबका सॉल्यूशन सेम होगा? इसमें थोड़ा कम स्वीटनेस होगी, इसमें ज़्यादा होगी और इसमें बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि तीनों में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। तो ये जो कंसंट्रेशन होता है ना, ये जो मैं बोल रही हूँ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन मुझे ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है? सॉल्यूशन के अंदर। समझ गए मेरी बात? ठीक है, कंसंट्रेशन क्या बताता है? कंसंट्रेशन बताता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम या ज़्यादा? कम। इसका और इसका बहुत ज़्यादा। समझ गए मेरी बात? कंसंट्रेशन बस यही बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है। समझ गए मेरी बात? अब यहीं से हमें कुछ टर्म समझनी है, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब पहले देखो, इसमें पानी ज़्यादा है और सॉल्यूट, तो इसीलिए इसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। कैसा सॉल्यूशन कहते हैं? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर क्या होता है? ज़्यादा, बट सॉल्यूट क्या होता है? कम। तो उस सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हो। क्या कहते हो? और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर जितना कम प्रेजेंट हो सकता है उतना कम प्रेजेंट हो, ठीक है ना, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर जितना कम हो सकता है उतना कम प्रेजेंट हो एंड सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो, तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। समझ गए? सीधी बात, डाइल्यूट के अंदर वाटर ज़्यादा होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर वाटर कम होगा। एंड कंसंट्रेशन मतलब होता है किस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट घोला गया है। समझ गए? इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे 9th क्लास में एक फॉर्मूला है और 11th क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो फिलहाल हम 9th क्लास वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो आप पढ़ोगे कल के क्लास में, ठीक है। कल बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। समझ आई? आज सॉल्यूशन समझ आ गया, सॉल्यूशन के एग्जांपल समझ आ गए, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी समझ आ गई एंड फिलहाल कंसंट्रेशन क्या होता है वो समझ आ गया, ठीक है। अब कल पढ़ेंगे बाकी के टॉपिक को, ठीक। आज के लिए इतना, थैंक यू। Thank you.